हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय SCM चिल्ड्रन अकेडमी हल्द्वानी. सो क्लास थर्ड टुडे इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर 4 हूज टॉपिक इज कैट्स एंड डॉग्स. ये एक आपका चैप्टर है जिसमें आपको स्टोरी बताई जा रही है डॉग्स और कैट्स की, कि पहले वो कैसे दोस्त थे और बाद में वो कैसे दुश्मन बन गए. ऐसा क्या रीज़न हुआ कि फिर वो बाद में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए. सो लेट्स रीड द चैप्टर. There was a time when cats and dogs lived as friends. एक समय था जब cat और dog आपस में दोस्तों की तरह रहते थे. They were not enemies. They ate and played together. वो दुश्मन नहीं थे और साथ में ही खाते थे और साथ में ही खेलते थे. But then they become bitter enemies. लेकिन फिर वो एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए. Means is the meaning of bitter, feeling great anger or dislike for someone. मीन्स एक दूसरे के लिए प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होना और या फिर उसको नापसंद करना. ठीक है, डू यू नो हाउ, आपको पता है ये कैसे हुआ? सो देन रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो. तो चलिए इस स्टोरी को पढ़िए और आपको पता चलेगा कि पहले वो कैसे अच्छे दोस्त थे और फिर बाद में वो क्यों दुश्मन बन गए. इन दोज डेज वन मिस्टर स्मिथ हैड अ डॉग एंड अ कैट. उस समय में, एक समय की बात है, ये उन दिनों की बात है जब एक इंसान था मिस्टर स्मिथ, उसके पास में एक डॉग था और एक कैट था. द डॉग वॉज नेम ब्रूनो एंड द कैट वॉज नेम किटी. डॉग का नेम क्या था? ब्रूनो. और कैट का नेम था किटी. दिस कैट एंड डॉग वॉज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. जो कैट और डॉग थे वो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे. दे वुड किस ईच अदर ऑन द नोज. ब्रूनो वुड से ओ किटी यू आर सो प्रिटी एंड किटी वुड से ब्रूनो यू आर सो हैंडसम. वो एक दूसरे को एक दूसरे की नोज़ पे किस करते थे और किटी कहती थी, ब्रूनो कहता था किटी से कि किटी यू आर सो प्रिटी, कि तुम बहुत प्रिटी हो. और किटी क्या कहती थी? ब्रूनो यू आर सो हैंडसम, तुम बहुत हैंडसम हो. ब्रूनो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स. ब्रूनो और किटी जो थे वो बहुत ज़्यादा वफादार पेट्स थे, वफादार पेट्स. ठीक है, किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस. किटी जो थी वो अपने मास्टर के, मालिक के घर को चूहों से दूर रखती थी, मतलब चूहे उसने घर में आने नहीं देती थी. ब्रूनो कैप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स. और ब्रूनो उसके घर को बचाता था चोरों से. बट दे मास्टर वॉज बिग माइसर. लेकिन जो उसका जो उनका मालिक था वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा इंसान था. माइसर का मीन्स होता है वन हु लव्स मनी एंड स्पेंड एज लिटिल ऑफ इट इज पॉसिबल. मीन्स एक तरीके से कंजूस जिसे कहते हैं. ठीक है, उनका मालिक बहुत कंजूस था और उनके लिए प्रॉपर खाने को भी नहीं देता था. ही डिड नॉट गिव द एनिमल्स एनफ टू ईट. और अपने एनिमल्स को वो खाने के लिए भी अच्छे से नहीं देता था. वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेंट टू देयर मास्टर. एक दिन क्या होता है, ब्रूनो और किटी अपने मास्टर के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? सर, दे सेड, वी लव यू, वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस, वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, बट यू डोंट गिव अस फूड, यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट एवरी डे. एक दिन उन दोनों को आपस में वो डिसाइड करके जाते हैं अपने मास्टर के पास में और कहते हैं कि मास्टर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके घर को चूहों से और चोरों से बचा करके रखते हैं, लेकिन आप फिर भी हमें अच्छा खाना नहीं देते हो. आपको हमें एक बड़ा पीस ऑफ मीट देना चाहिए हर दिन. मीन्स उन्हें मीट खाना था. सो नाउ द मास्टर वॉज अ माइसर. और आपको पता है कि मास्टर जो था वो बहुत कंजूस था. He did not want to spend on meat every day. वो हर दिन पैसे खर्च करना नहीं चाहता था मीट के ऊपर. So he tried to be clever. तो वो चालाकी करने की कोशिश करता है. You will fall ill, he said, if you eat meat every day. तो मास्टर क्या कहता है उनसे, वो चालाकी करता है. वो कहता है कि अगर आपको मैं रोज़ मीट खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे. तो फिर अब दोनों एनिमल्स क्या कहते हैं? We don't care, said the animals. And there is one thing more. You must sign an agreement. You must promise to give us meat every day. मगर जो पैट्स थे उसके, वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे और वो कहते हैं हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हम लोग बीमार पड़ेंगे या क्या होगा, और आपको हमारा एक एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा कि आप उसमें, वो एग्रीमेंट में ये होगा कि आप हमसे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप हमको डेली मीट दोगे. सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन एग्रीमेंट. तो मिस्टर स्मिथ को वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ा. In it, he wrote that he would give the animals a big piece of meat daily. Kitty took the agreement and he did in the loft. और फिर क्या करता है वो, उसमें agreement में आपका लिखा होता है कि जो master है वो अपने animals को big piece of meat देगा daily, और जो kitty है वो उसको agreement को संभाल करके रख देती है.
मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर ए वीक, लेकिन मिस्टर स्मिथ हफ्ते में एक ही दिन उनको मीट देते थे. बट देन ही सेड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव, सो ही स्टॉप बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स. और फिर वो क्या करते हैं, नहीं, मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर ए वीक. मिस्टर स्मिथ जो हैं वो मीट देते हैं एक हफ्ते तक अपने पेट्स को, एक हफ्ते तक वो मीट देते हैं. बट देन ही सेड दैट मीट वॉज सो एक्सपेंसिव सो ही स्टॉप बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स. फिर वो क्या करते हैं, वो एक हफ्ते तक तो उनको मीट देते हैं खाने के लिए, एज दे साइन द एग्रीमेंट, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया होता है तो एक हफ्ते तक तो देते हैं. लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि मीट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो उसको अपने एनिमल्स के लिए मीट खरीदना बंद कर देते हैं. देन ही अगेन स्टार्टेड गिविंग दैम ओनली ब्रेड एंड ए लिटिल ऑफ मिल्क. और फिर वो क्या देना स्टार्ट कर देते हैं, वो सिर्फ उनको थोड़ा सा मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं और ब्रेड देना स्टार्ट कर देते हैं. बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री. अब ब्रूनो और किटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ एंड सेड, सर यू प्रोमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे. तो वो अपने मास्टर से कहते हैं कि मास्टर आपने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप हमें डेली फ्रेश मीट देंगे, बट ये इज द मीट, और मीट कहाँ है अब. देन डिड आई मेक एनी प्रॉमिस, आस्क मिस्टर स्मिथ. तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं क्या मैंने कोई वादा किया था आपसे. यस सर यू डिड, सेड ब्रूनो. यू विल साइन एन एग्रीमेंट. वॉट एग्रीमेंट, आस्क मिस्टर स्मिथ. तो ब्रूनो कहता है कि हाँ सर आपने एग्रीमेंट भी साइन किया था और आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें डेली मीट देंगे. तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं वॉट एग्रीमेंट. आई विल शो यू, सेड किटी एज शी एडवांस रैन टू द लॉफ्ट. और वो क्या कहती है, किटी क्या कहती है कि ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है. और वो जाती है अपना एग्रीमेंट लेने के लिए. बट किटी कुड नॉट फाइंड एनी एग्रीमेंट, लेकिन किटी को कोई एग्रीमेंट नहीं मिलता है. शी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स देयर. वहाँ पे उसको छोटे छोटे जैसे चूहा कुतर देता है ना पेपर को, इतने छोटे छोटे उसको पेपर मिलता है. द माइस हैड निबल्ड द पेपर्स बैडली, क्योंकि चूहों ने उस पेपर को बहुत बुरे ढंग से कुतर दिया था. द किटी केम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो व्हाट हैड हैपेंड. और वो जो किटी है वो आकर के वापस आकर के बताती है ब्रूनो को कि क्या क्या हुआ है. द टू एनिमल्स ट्राइड टू आर्ग्यू विद मिस्टर स्मिथ बट ही डिड नॉट लिसन. नो आर्गूमेंट्स, नो एग्रीमेंट, नो मीट, ही सेड. जो दोनों एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा अपने मास्टर से बात करते हैं, बहस करते हैं कि आपने कहा था, आपने प्रॉमिस किया था. तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई मीट नहीं मिलेगा. नाउ ब्रूनो वॉज वेरी एंग्री विथ किटी. अब ब्रूनो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है किटी से. ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बिट हर टेल. और वो किटी को कहता है केयरलेस, कहता है कि तुम एक लापरवाह हो, और उसकी जो पूंछ होती है उस तक को वो काट लेता है. यू डॉग डिड यू बाइट माई टेल, आस्क किटी एंग्रीली. अब किटी को भी गुस्सा आ जाता है, कहता है कहती है कि यू डॉग यू बाइट माई टेल, तुमने मेरी पूंछ काटी. यस आई डिड, ब्रॉल्ड ब्रूनो. और ब्रूनो जोर से गुस्से में कहता है हाँ मैंने किया ऐसा. एंड आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश. अब मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारा फ्लैश खा लूंगा. किटी वॉज ऑफ आफ्रेड. किटी बहुत डर जाती है. शी एट वंस बॉल्ड अप अ ट्री, बॉल्टेड अप अ ट्री. और जो किटी है वो फिर अपना पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है. फ्रॉम दैट डे ऑन डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज. और उस दिन से लेकर के अब तक जो कैट और डॉग हैं वो आपस में बहुत ही बड़े वाले दुश्मन बन जाते हैं. एंड फ्रॉम दैट डे कैट्स हैव हेटेड माइस. और उसी दिन से जो बिल्लियाँ होती हैं वो चूहों को भी नापसंद करने लगती हैं. सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.